मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। बैठक के दौरान नए नाम पर चर्चा और फिर ऐलान होने की उम्मीद है। इस बीच खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीसीसी चीफ के लिए पार्टी के कई नेताओं के सामने अपना दावा पेश कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुवार को भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। वो धार्मिक यात्रा पर वैष्णो देवी जा रहे हैं। रास्ते में दिल्ली प्रवास के दौरान शुक्रवार को वो पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों के बीच ताज़ा राजनीतिक हालात और मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्य मुद्दा नया पीसीसी चीफ की नियुक्ति का होगा। अभी कमलनाथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद को भी संभाल रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक व्यक्ति के एक पद के नियम के कारण उनका पीसीसी चीफ का पद छोड़ना तय है। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नया नाम तय नहीं हो पाने के कारण फैसला टल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीसीसी चीफ पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। बताया जा रहा है कि पार्टी नेताओं के सामने उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी। पीसीसी चीफ के साथ ही मध्य प्रदेश के प्रभारी को भी बदले जाने की अटकलें तेज है। अनुमान है कि शुक्रवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दोनों पदों के लिए नामों का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम महाघोटाले की जांच से अब शायद ही कोई आरोपी बच सकेगा। कमलनाथ सरकार 1200 से ज्यादा शिकायतों की जांच करा रही है। अब तक की जांच के बाद खबर है कि करीब 100 FIR दर्ज कराई जाएगी, जिसमें 500 लोगों के नाम हो सकते हैं। ये वो मामले हैं जिन्हें CBI ने बिना जांच किए ही STF को लौटा दिया था। कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले ही शिवराज सरकार के दौरान हुए व्यापम घोटाले की जांच का वादा जनता से किया था। अब कांग्रेस सत्ता में है और अपना वादा पूरा कर रही है। सरकार के निर्देश के बाद एसटीएफ हरकत में आ गई है। उसने पेंडिंग शिकायतों की जांच तेज कर दी है। 1200 शिकायतों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। उसमें से 197 शिकायतों में बयान लिए जा रहे हैं। जिन 197 पेंडिंग शिकायतों की जांच की जा रही है, उसके लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में SIT बनाई गई है। इन SIT को जिले के एसटीएफ SP लीड कर रहे हैं। एसटीएफ सूत्रों से पता चला है कि इनमें से करीब 100 ऐसी शिकायतें हैं जिनमें FIR कराई जा रही है। उनमें से 500 लोगों को आरोपी बनाया जाएगा। शिकायतों की जांच में शिवराज सरकार के कई मंत्री, IAS, IPS अफसरों और रसूखदारों के नाम सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने करोड़ों रुपए के बकाए बिजली बिल के वसूली के लिए एक अनोखी पहल की है। दरअसल बिजली कंपनी करोड़ों के बकाए बिजली बिल से काफी दिनों से परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उपभोक्ताओं से आखिर कैसे बकाया राशि वसूले। लिहाजा बिजली कंपनी के कर्मचारी आखिरी चेतावनी देने के लिए बड़े बकायेदारों के घर बैंड बाजा लेकर जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को हरदा जिले में हर जगह ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। बिजली कंपनी के कर्मचारी ढोल और नगाड़ों के साथ सड़क पर उतरे। इस दौरान उनके हाथ में एक बैनर भी था जिस पर लिखा था कि अगर आपने अपना बकाया बिल नहीं भरा है तो आपका नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। साथ ही यह हिदायत भी दी गई कि वसूली दल गाजीबाजी के साथ उनके घर पर भी धमक जाएंगे। ऐसे में बकायेदारों से जोन कार्यालय में जाकर अपना बकाया बिजली बिल जल्द से जल्द भुगतान करने को कहा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 500 से ज्यादा बकायेदारों के ऊपर बिजली कंपनी का 2 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। ऐसे में बिजली कंपनी ने वसूली के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया ताकि लोग शर्म के मारे ही सही अपना बकाया बिजली बिल जमा कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी दतिया पहुंचे, जहां साहू समाज सहित स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद प्रहलाद मोदी ने स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी गुरुवार को दतिया पहुंचे, जहां भगवापुरा, इंदरगढ़, जोनिया और दतिया में साहू समाज के लोगों ने प्रहलाद मोदी को फूलों का हार पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रहलाद मोदी ने महिला शक्तियों से भी मुलाकात की। प्रहलाद मोदी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दतिया पहुंचे थे। दतिया से रविदीप लिटोरिया की रिपोर्ट। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में जल्द ही दर्शकों को 15 से ज्यादा नस्लों के अलग अलग सांप देखने को मिलेंगे, जिसके लिए जू प्रबंधन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सांपों के लिए विशेष प्रकार का स्नेक हाउस बनाया गया है, जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए। इंदौर के चिड़ियाघर में प्राणियों का कुनबा बढ़ाने के लिए जू प्रबंधन पिछले कई सालों से लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके चलते देश भर के कई राज्यों से अलग अलग प्रकार के जानवरों को चिड़ियाघर लाया गया। इसी कड़ी में अब 15 से ज्यादा नस्लों के अलग अलग सांपों को लाया जा रहा है, जिसके लिए चिड़ियाघर में विशेष प्रकार से स्नेक हाउस बनाया गया है। एक साल में तैयार हुए इस स्नेक हाउस में सांपों को रहने, खाने पीने और घूमने की तमाम सुविधाओं के साथ वातावरण के अनुसार रखा जाएगा।
गौरतलब है कि जू में कम होते दर्शकों को लेकर जू प्रबंधन लगातार ऐसी कोशिश करने में जुटा है जिससे दर्शकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उन्हें नए और दुर्लभ प्राणियों को देखने का अवसर भी मिले। देखिए, हमारे मास्टर प्लान का एक पार्ट था ये। जैसे हमारा मास्टर प्लान अप्रूव होकर आया, हम लोगों ने इसका जो ड्राइंग डिजाइनिंग थी सेंट्रल जो अथॉरिटी को भेज के उसका अप्रूव लाने के बाद इसका काम चालू किया था। एक साल के अंदर अंदर ये पूरा बन के तैयार हो गया और उस करीब 15 हाउस हमने इसके अंदर बनाए हैं जिसके जो प्रॉपर हैबिटेट के हिसाब से हम लोगों ने उसको डिज़ाइन किया है और 15 स्पीसीज के स्नैक हम लोग इसमें रिलीज़ करेंगे। देखिए, हम लोग जल्दी से जल्दी अब तैयारी में है, करीब करीब फिनिशिंग स्टेज पे है सारा काम। अभी प्रोक्योरमेंट की कुछ हमारी प्रोसेस चल रही है स्नैक को लाने की और जल्दी जल्दी हमारे कुछ स्नैक जो सात करीब हम लोगों ने 7 प्रजाति के स्नैक रिलीज़ कर रखे हैं और 2-3 प्रजाति को और हमारे 2-4 दिन में आ जाएंगे और अब करीब करीब 10-12 भी हो जाएंगे। तो फिर हमारी जो प्रोसेस प्रोक्योरमेंट की जो सेंट्रल जो अथॉरिटी की तरफ चल रही है वो भी पहले चलती रहेगी। तो करीब 15 प्रजाति के हम लोग यहाँ पर करीब करीब 40 से 50 स्नैक करीब रहेंगे और इतने सारे स्नैक को हम लोग वहाँ रिलीज़ करेंगे। और देखिए, पहले तो हम लोग जो हमारी नेटिव स्पीसीज है उसको हम लोग रखना चाह रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवेयर कर सकें, हमारी जो आसपास जो स्नैक की प्रजातियाँ उनको बता सकें, उसके बारे में बता सकें, स्नैक बाइट हो तो उसके बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, ये सब सारी चीज़ें बता सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी जो गाइडलाइन के थी उसके तहत हम लोग यहाँ कोबरा रखेंगे, पाइथन रखेंगे, बैंडेड क्रेट रखेंगे, क्रेट रखेंगे, कॉमन क्रेट रखेंगे, ग्रीन वाइन रखेंगे। तो इस तरह के जो अलग अलग और कुछ एग्जोटिक प्रजाति के भी हम लोग प्लान कर रहे हैं रखने का, वो अभी हमारे पास है नहीं लेकिन जल्दी जल्दी उनको भी हम लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो कलरफुल स्नैक रहते हैं वो भी पब्लिक को देखने को मिले और उसके बारे में समझने सोचने को मिले। ये देखिए, हम लोग बहुत सारे, कुछ तो हमारे नेटिव हैं और कुछ दूसरी स्पीसीज है जो हम लोगों का सेंट्रल जो अथॉरिटी की जो गाइडलाइन था जो दूसरे जूस हम लोगों के एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि अभी रेटिकुलेटेड पाइथन हम लोग पूना से लाने की तैयारी हमारी चल रही है, अप्रूवल भी उसका मिल गया है लेकिन पूना जू में कुछ अभी तकलीफ होने के कारण वो अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हमारे पार्ट पर सारी तैयारी है, बस उनके पार्ट पर जैसे हो गया सिग्नल, ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो हम लोग उसको लेके आ जाएंगे। नहीं, एमपी के रहेंगे, हमारे जो रीजनल जो हमारे जो आसपास के जो क्षेत्र में पाए जाए तो वो रखेंगे और दूसरा जो एग्जोटिक जो रहेंगे जो दूसरे जूज में है जो हम लोग उसको भी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाएंगे तो वो भी रहेंगे, कुछ नेटिव रहेंगे, कुछ हमारे स्टेट के रहेंगे और कुछ बाहर के भी रहेंगे। यानी इसी रूप से स्नैक चूँकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं इसलिए उनको उसका मैनेजमेंट थोड़ा सा टफ रहता है, डिफिकल्ट रहता है। मौसम के अनुरूप हमको उनको आर्टिफिशियल सारी चीज़ें व्यवस्था करके देनी पड़ती है तो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है और फिर सबसे बड़ी बात उनके फूड की रहती है क्योंकि सारे जो स्नैक है वो लाइव फूड खाते हैं और लाइव फूड ही हम लोग देने की कोशिश भी उनको करेंगे ताकि उनको अननेचुरल ना लगे, प्राकृतिक माहौल देने की सारे प्रयास जो इस तरह का हैबिटेट डेवलप किया उसी तरह से हम लोग उसको प्राकृतिक वातावरण रखते हुए फूड का भी हम लोग उसका इंतजाम करेंगे। डॉक्टर उत्तम यादव, इंचार्ज, इंदौर जू। भारत नरवरे के साथ खुशबू यादव की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को नेमावर पहुंचे, उन्होंने यहां सिद्धोदय सिद्ध तीर्थ क्षेत्र में चतुर्वास कर रहे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। करीब एक घंटे तक आचार्य श्री व लोकसभा अध्यक्ष के मध्य चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आए, जहां पहले इंदौर के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देवास जिले के नेमावर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद लिया। इस दौरान आचार्य श्री ने हिंदी भाषा के ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर जोर दिया, कहा कि संसद में भी हिंदी के शब्दों का उपयोग होना चाहिए। इस संबंध में आचार्य श्री ने अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल नामक किताब भी लोकसभा अध्यक्ष बिरला को दी। मीडिया से चर्चा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आचार्य श्री के विचार व संदेश से देश व पूरे विश्व के मानव दर्शन में व्यापक परिवर्तन आया है। आचार्य श्री के विचारों व संस्कारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन की दिशा बनी है। आज लोकसभा स्पीकर जी ने यहाँ संसद के जो अध्यक्ष बनने के पहले, लोकसभा के अध्यक्ष बनने के पहले ये भोपाल जबलपुर में आए थे आचार्य जी के पास, तो इन्होंने आशीर्वाद लिया था, बोलते हो आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं अहिंसा का प्रचार प्रसार करूंगा।
और जाने के बाद तुरंत ही इनको लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उन्होंने जब बने उसी समय शपथ की बात ही कहा था उन संत के पास चल रहा है जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था और यहाँ तक पहुँचने का आशीर्वाद दिया, और आज वो आए यहाँ पर और उन्होंने आचार्य भगवान के चरणों में एक बात रखी। 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पूरे लोकसभा में राज्यसभा में जितने भी सांसद हैं और जो भी मंत्री हैं सब हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश को ख़त्म किया गया, अभी हिंदी रखी गई वहाँ पर, और आचार्य भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में इंडिया नहीं भारत बोला जाए। तो उन्होंने कहा बहुत ही जल्दी इसके ऊपर भी कार्य चल रहा है, कुछ दिन के बाद ही मालूम पड़ जाएगा, लोग इंडिया छोड़ करके भारत को भारत ही बोलेंगे। ये उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दें कि आने वाले समय पूरा मंत्रिमंडल और बीजेपी पूरे कार्यकारिणी ये जो जैन समाज नहीं जीव मात्र के प्रति जो दया के भाव रखती है उनके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा बने उनकी हम सेवा कर सकें। पूरा कश्मीर के अंदर भी सेवा में सारे लोग लगे हुए हैं, पूरे भारत में जितने भी गरीब हैं उन गरीबी को मिटाने का और जो भी असहाय है उनको सहायता देने का ये कार्य पूरी हमारी कार्यकारिणी और बीजेपी सरकार करेगी। ठीक है, आज लोकसभा स्पीकर जी का चित्रोदय क्षेत्र नेमावर में आगमन हुआ और आप सबका भी आगमन हुआ है। आज हम सबका सौभाग्य है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद लेने के माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, यहाँ के सांसद, देवास के सांसद, इंदौर के सभी लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और आज आशीर्वाद लेके बहुत ही मन प्रसन्न है। जिस प्रकार से उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को और हम सबको, किस प्रकार समाज में सेवा कार्य करना, बोले आप माध्यम हो समाज में सेवा कार्य करने के, अवसर आपको मिला है सेवा काम करने के, तो ऐसा सेवा कार्य करें कि वर्षों तक आपको मानव जाति याद रखे। खास करके उन्होंने भाषा को लेकर विशेष बात कही है कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है और खास करके हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए और जो भाव हम अपनी मातृभाषा में प्रकट कर सकते हैं वो भाव हम दूसरी भाषा में नहीं प्रकट कर सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस जो पहला सत्र हुआ था उस पूरे पहले सत्र में एक भी शब्द अंग्रेजी का उन्होंने नहीं बोला, वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं और हिंदी में कामकाज। मानव दर्शन में व्यापक परिवर्तन आया है, आचार्य के जी के विचारों और संस्कारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन की एक दिशा बनी है और आचार्य जी कहीं पुण्य के काम जिससे समाज में परिवर्तन हो अपने प्रयासों से कर रहे हैं। आचार्य जी गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में उजाला आए, परोपकार के काम आचार्य जी के माध्यम से उनके अनुयायियों के माध्यम से समाज के लोग कर रहे हैं। आचार्य जी इसी तरीके से जहां बच्चियों को अच्छी शिक्षा संस्कार देने का काम कर रहे हैं, गो सेवा का काम कर रहे हैं, कई सामाजिक क्षेत्रों के अंदर आचार्य जी सामाजिक सेवा का काम करने का सबको संस्कार भी दे रहे हैं, विचार भी दे रहे हैं, जिसके माध्यम से समाज में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। भाई साहब, एक छोटा सा सवाल था कि भारत को इंडिया नहीं भारत बोलो, इस पर को कितना समर्थन देंगे आचार्य जी का ये जो है एक अभियान है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला के साथ इंदौर सांसद शंकर लालवानी, विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव, देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदकिशोर पाटीदार, खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, आरके मार्बल के अशोक पाटनी, कोटा के राकेश जैन आदि थे। देवास से हर्षद मेहता की रिपोर्ट।